मुंबई को एक सोने की अंडे देने वाली चिड़िया समझते हैं, मुर्गी समझते हैं, ऐसे लोग जब सरकार में बैठते हैं जो मिंदे भाजपा की सरकार है, वैसी सरकार से जो भी कल हुआ वो आपको पता चला। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आदित्य ठाकरे की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और पर्यटक मंत्री भी कहे जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बाद वो चेहरा है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आदित्य ठाकरे भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे की सरकार को चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ जाँच शुरू करने की एक कमेटी बनाई। यहाँ पर स्पेशल कमेटी का गठन किया गया जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच करती हुई नजर आएगी। एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे की सरकार जिस वक्त थी उस वक्त घोटाला देखा गया, करोड़ों के घोटाले में उद्धव ठाकरे फंसते हुए नजर आए। ऐसे में उस वक्त तो जांच हुई नहीं, इस वक्त जांच होनी चाहिए, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे करते हुए नजर आए। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार पर निशाना साधा कि वो तो खुद ही घोटाले में फंसे हैं, उनकी पत्नी घोटाले में फंसी है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर घोटाले में उनका सारा परिवार शामिल होता हुआ नजर आता है। तो एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया कि वो सच्चाई जानते हैं और देवेंद्र फडणवीस के पास उद्धव ठाकरे के सारे सबूत बरामद हैं। अब ऐसे में यहां पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस का बचाव कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर बता दिया है कि सोने की मुर्गी यहां पर एकनाथ शिंदे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस सोने की मुर्गी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। सोने की मुर्गी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उनको एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए इतना ही नहीं बाकी और कुछ भी बोलते हुए नजर आते। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस वीडियो में। कल की अगर परिस्थिति आप उस पर गौर करें तो एक स्पष्ट है कि मुंबई में कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार में न बैठे हुए और जो मुंबई पे प्यार नहीं करते, मुंबई को एक सोने की अंडे देने वाली चिड़िया समझते हैं, मुर्गी समझते हैं, ऐसे लोग जब सरकार में बैठते हैं जो मिंदे भाजपा की सरकार है, वैसी सरकार से जो भी कल हुआ वो आपको पता चला। लेकिन जब मुंबई कर आम नागरिक मुंबई की सड़कों पे अगर आप देखें तो फंसा हुआ था, कहीं बरसात में फ्लड्स के दौरान हो या कहीं खराब रास्तों के कारण हो, वहीं पर जो घटना भाई मुख्यमंत्री है वो ये कहते हैं कि पाउस आला तो त्याचं स्वागत करा, तकरार काय करता, यानी बारिश का वेलकम कीजिए, बारिश का स्वागत कीजिए, आप कंप्लेन क्या कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस, इतनी नालायक, इतनी निर्लज्जपना, नालायक नहीं निर्लज्जपना जिसे हम कहते हैं, या बेशर्मी, ये हमने कभी देखी नहीं थी। बेशर्मी की हद होती है, करप्शन की भी हद होती है। जैसे हमने कहा था कि कर्नाटका में देखा हमने 40% की सरकार थी, यहां इस सरकार में 100% करप्शन है लेकिन काम कुछ हो रहे नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे दर्द देती है क्योंकि पिछले साल तक जब हमारी सरकार थी मुंबई पर प्यार करने वाले लोग इस सरकार में बैठे थे, मुंबई के मुख्यमंत्री थे, मुंबई से ही जो चुन के आते थे, जो जनप्रतिनिधि थे। आज चुनाव न होने के कारण अगर आप देखें तो कोई मुंबई का जनप्रतिनिधि उस बीएमसी में नहीं है। और तकलीफ इसी बात की है कि जो आज बीएमसी चला रहा है, जो प्रशासक हो या फिर सीएमओ हो, कोई भी मुंबई का नहीं है, किसी को मुंबई की कुछ पड़ी नहीं है, मुंबई की कुछ पता नहीं है। और आज मुंबई से सिर्फ पैसा लूटो लेकिन मुंबई करों को कुछ सुविधा ना दे, ऐसी सरकार और ऐसी ही मनस्थिति है इस सरकार की। आज सरप्राइज विजिट पर सीएम निकले थे, आपको लगता है देर है देर से ये सरकारी? बिल्कुल नहीं, देर आए दुरुस्त आए नहीं, सब होने के बाद क्या दुरुस्त करने निकले। जो आज सरप्राइज विजिट, किसको सरप्राइज है, खुद को सरप्राइज दे रहे हैं या जनता को सरप्राइज दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये एक बात ऐसी है, दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है। अगर आप देखें पिछले साल तक जब भी ऐसी बारिश होती थी, ये तो 100 mm की बारिश है, और इस बारिश में हमारे समय पे तो ऐसे पानी नहीं भरता था, लेकिन जब हमारे समय पे 300 mm की बारिश हो, 400 mm की बारिश हो, और ये प्रति घंटा 400 mm प्रति घंटा, 300 mm प्रति घंटे में बारिश होती थी, तब मैं या कोई भी महापौर जो मेयर है या फिर उद्धव साहब खुद रास्तों पे जाते थे, लोगों से बात करते थे, जो भी गैर कुछ प्रकार हो रहे हैं या कोई असुविधा हो रही हो
तो उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, कोई जटिलता हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो परिस्थिति यही है कि सरकार में मुंबई का कोई नहीं, मुंबई की आवाज ही नहीं है, सिर्फ बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर की सरकार बन चुकी है। और इसलिए पंप्स हो या फिर रास्ते हो, जो भी कारोबार चल रहा है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए चल रहा है, ना मुंबईकरों के लिए चल रहा है। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सच्चाई को सामने रखा है और भारतीय जनता पार्टी के सच को दिखाया है कि सोने की मुर्गी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सोने की मुर्गी एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे इस साजिश को भांप नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? एकनाथ शिंदे को यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि जब उनके बेटे यहाँ पर ये चीज़ें जान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर विधायक जान चुके हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे क्यों नहीं जानते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर क्यों एकनाथ शिंदे अभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं? आदित्य ठाकरे के बाद जो खुलासा हुआ है, तो सीधे तौर पर क्या एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री पद से हटते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब आपको क्या देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।